नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर है आईपीएल 2023 के लेकर गुजरात टाइटंस की टीम। गुजरात टाइटंस की टीम को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। 6 ऐसे खिलाड़ियों की रिपोर्ट सामने आई है जिन 6 खिलाड़ियों से विपक्षी टीमें डरी हुई हैं। विपक्षी टीमें इन 6 खिलाड़ियों को लेकर प्लानिंग कर रही हैं, इन 6 खिलाड़ियों को लेकर अपनी रणनीतियां बना रही हैं और खास तौर पर 2 खिलाड़ियों का मैं जिक्र करना चाहूंगा। वो दोनों विदेशी खिलाड़ी हैं और दोनों खिलाड़ियों को लेकर एक अलग तरीके की रणनीति बनाई जा रही है। दोनों खिलाड़ियों को लेकर यह सोचा जा रहा है कि अगर ये दोनों खिलाड़ी प्लेइंग 11 में आएंगे तो इनको कैसे निपटा जाएगा, इनको कैसे आउट किया जाएगा। 2 खिलाड़ी जो हैं वो इस वक्त चर्चा का विषय है। लेकिन गुजरात टाइटंस की टीम को लेकर एक बहुत बड़ी रिपोर्ट जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि GT6X Factor Player 2023 तो गुजरात टाइटंस को लेकर बात। सबसे पहले जो एक्स फैक्टर खिलाड़ी है, देखिए जाहिर तौर पर मैं पहले खिलाड़ी के तौर पर हमेशा हार्दिक पांड्या को रखा हूं क्योंकि हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस की टीम के सबसे बड़े एक्स फैक्टर खिलाड़ियों में से एक है। कप्तान के तौर पर, बल्लेबाज के तौर पर, गेंदबाज के तौर पर हमेशा हार्दिक पांड्या ने कमाल का प्रदर्शन करके दिखाया है और इस बार भी हार्दिक पांड्या उसी अंदाज में आप लोगों को नजर आने वाले हैं। उसके बाद में जो दूसरा खिलाड़ी है एक्स फैक्टर के तौर पर, उसको मैं मानता हूं शुभमन गिल। नो डाउट शुभमन गिल ने जिस तरीके की बल्लेबाजी 22 में की है, 22 में अच्छा प्रदर्शन किया, उनकी बल्लेबाजी के दम पर गुजरात चैंपियन बनी। उसके बाद में जिस तरीके से उन्होंने टीम इंडिया में प्रदर्शन किया है, ऐसा लग रहा है कि शायद 2023 का जो टूर्नामेंट होना है, 2023 का जो सीजन होने वाला है वो शुभमन गिल के लिए एक अलग टूर्नामेंट की तरह होगा, अलग सीजन की तरह होगा। और अब तक के जितने भी सीजन शुभमन गिल के गए हैं उनमें सबसे बेहतर ये सीजन होने वाला है 2023 का। तो शुभमन गिल के तोड़ निकालने के लिए विपक्षी टीमों ने रणनीति बनानी शुरू कर दिया कि आखिर इस बल्लेबाज को जल्द से जल्द कैसे आउट किया जाएगा, यह सबसे बड़ी रणनीति है। तीसरा खिलाड़ी, जी हां बिल्कुल, इसकी बड़ी चर्चा हो रही है। नाम है तीसरे खिलाड़ी का मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी जिस तरीके की गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं 2022 में भी, हालांकि मोहम्मद शमी ने कमाल की गेंदबाजी की थी। मोहम्मद शमी ने 2022 में लीडिंग विकेट टेकर, मतलब पावर प्ले में लीडिंग विकेट टेकर गेंदबाज थे मोहम्मद शमी। तो ऐसे में मोहम्मद शमी के ऊपर नजर होगी और वैसे भी टीम इंडिया में इस वक्त कमाल की गेंदबाजी करते हुए नजर, कुल मिलाकर क्या फॉर्म है मोहम्मद शमी के साथ, इसलिए मोहम्मद शमी रहने वाले। लेकिन अब मैं जो 2 खिलाड़ियों के नाम बताने वाला हूं आप लोगों को, वो 2 खिलाड़ी बहुत क्रूशियल हैं और इस बार बड़ी चर्चा उन दोनों खिलाड़ियों की हो रही है जिनकी मैं आप लोगों को अब नाम बताने वाला हूं। क्योंकि गुजरात टाइटंस में इस बार जो कमजोरी थी, जो गुजरात टाइटंस में 2022 में थोड़ी सी कमजोरी थी, वो कमजोरी इस बार दूर होती नजर आ रही है इन 2 खिलाड़ियों के आने के बाद। अब मैं बताता हूं आपको चौथा खिलाड़ी। चौथा खिलाड़ी है राशिद खान। राशिद खान या फिर मिलर, दोनों को मैं मिलाकर रखना चाहता हूं, राशिद खान और मिलर। राशिद खान इसलिए क्योंकि राशिद खान ने पिछली बार भी कमाल के मैचेस खेले थे गेंदबाजी में, हालांकि थोड़ा सा मुझे कम नजर आए लेकिन बल्लेबाजी में उन्होंने बहुत शानदार कमाल की बल्लेबाजी करके दी और कई मैचेस दिखाए। और इस बार भी राशिद खान बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में कमाल की प्रदर्शन कर रहे हैं। बल्लेबाजी तो उनकी बहुत निखर कर सामने आई है गेंदबाजी की तरह, और मिलर भी कमाल की फॉर्म में इस वक्त मौजूद है। लेकिन अब जो 2 खिलाड़ियों का मैं जिक्र आप लोगों के सामने करने वाला हूं, वो 2 खिलाड़ी इस बार बड़ी चर्चा का विषय। और गुजरात ने जब उन दोनों खिलाड़ियों को खरीदा था तो उन दोनों खिलाड़ियों की बड़ी चर्चा हुई थी। सबसे पहले खिलाड़ी के नाम है विलियमसन। विलियमसन बिल्कुल नो डाउट, विलियमसन जो है वो इस बार के गुजरात की बहुत बड़ी कमजोरी को दूर करने के लिए है। एसआरएच ने उनको हटा दिया, एसआरएच ने हटाया कप्तानी से, तो फिर गुजरात ने उनको खरीद लिया। अब उनकी जो काबिलियत है, उनकी काबिलियत है ऊपरे क्रम पर बल्लेबाजी करना, विकेट गिर रहे हैं तो उसको रोकना, पारी को लंबा ले जाना, यह विलियमसन की हमेशा काबिलियत रही है और उसी काबिलियत का फायदा इस बार गुजरात की टीम विलियमसन का उठाने वाली है। विलियमसन को नंबर 3 पर गुजरात की टीम भेज सकते हैं। जो रणनीति है वो यह है कि विलियमसन नंबर 3 पर खेलेंगे। अगर ऊपरी क्रम से विकेट गिरते हैं तो विलियमसन एक छोर पर खड़े होकर, एक छोर पर टिक कर बल्लेबाजी आखिर तक करते रहेंगे और दूसरे छोर से तेज गति से रन बनते रहेंगे, यह गुजरात की रणनीति है। तो अब विपक्षी टीमों ने विलियमसन का तोड़ निकालना शुरू कर दिया कि भाई इस खिलाड़ी को कैसे जल्दी आउट किया जाए, क्योंकि अगर विलियमसन आउट नहीं होंगे तो जाहिर तौर पर गुजरात की टीम बहुत मजबूत नजर आएगी और बल्लेबाजी के तौर पर बहुत रन बनाएगी। ये सीधी सीधी सी बात है, विलियमसन का विकेट अगर विपक्षी टीमें जल्दी नहीं गिर पाई तो विलियमसन बहुत ज्यादा रन बनाने में गुजरात को मदद करेंगे। इसलिए सबसे पहला खतरा विलियमसन से विपक्षी टीमों को होना शुरू हो गया है और विलियमसन ऐसा हो सकता है
कि इस बार 2023 में सबसे बड़े एक्सपेक्टर साबित हों गुजरात की टीम के लिए, क्योंकि पिछली बार 2022 में गुजरात का नंबर 3 सबसे बड़ी परेशानी का सबब रहा था। इस बार नंबर 3 पर आपको विलियमसन खेलने वाले हैं। उसके बाद में जो नंबर 6 खिलाड़ी है, बिल्कुल मेरे भाई बहुत धुरंधर खिलाड़ी है और पिछली बार पंजाब की टीम का हिस्सा थे, इस बार गुजरात की टीम में गए हैं और शानदार खिलाड़ी है। नाम क्या है? ओडेन स्मिथ। जी हाँ, ओडेन स्मिथ इस बार चले गए हैं गुजरात में। ओडेन स्मिथ किस तरीके के खिलाड़ी हैं ये आप लोगों को पता है। बल्ला अगर चल गया मेरे भाई, बल्ला अगर ओडेन स्मिथ का चल गया तो कमाल की बल्लेबाजी करते हैं, गेंदबाजी भी करते हैं, रफ्तार उनके पास है। और हाल ही में जो T20 सीरीज खेली गई है उसमें कई मैचेज में ओडेन स्मिथ ने बड़ी कमाल की बल्लेबाजी और गेंदबाजी की है, बड़ा अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया है। और गुजरात की टीम में इस बार ओडेन स्मिथ जाएंगे तो जाहिर तौर पर जिस एक ऑलराउंडर की, तेज गति के ऑलराउंडर की कमी गुजरात की टीम में थी, क्योंकि पिछली बार विजय शंकर को खिलाया गया, विजय शंकर गेंदबाजी और बल्लेबाजी में कुछ करिश्मा नहीं कर पाए। अब तेज गति के ऑलराउंडर के तौर पर गुजरात में केवल हार्दिक पांड्या है। ऐसे में हार्दिक पांड्या का साथ देने के लिए तेज गति के ऑलराउंडर के तौर पर ओडेन स्मिथ को शामिल किया जा सकता है। ओडेन स्मिथ इंपैक्ट रूल के तहत गुजरात में आ सकते हैं। उसके बाद में 4 विदेशी खिलाड़ियों की जहां बात आती है, मिलर के बाद केन विलियमसन के बाद आपके राशिद खान, ओडेन स्मिथ चौथे खिलाड़ी के तौर पर हो सकते हैं। हालांकि जोसफ है, जोसफ बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन जोसफ की जगह उसे ओडेन स्मिथ को हो सकता है कि इंपैक्ट रूल के तहत गुजरात की टीम शामिल कर ले, क्योंकि वो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही कर सकते हैं। इसीलिए ये दो खिलाड़ी ओडेन स्मिथ और विलियमसन, इन दोनों को लेकर बड़ी चर्चा है और विपक्षी टीमें इस वक्त गुजरात के लिए सबसे बड़े एक्स फैक्टर की तलाश, विकेट जल्दी आउट करने की तलाश में लगी हुई है और प्लान बनाया जा रहा है। तो ये वो 6 खिलाड़ी हैं गुजरात के जो इस बार 2023 में सबसे बड़े एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। आप लोगों का क्या मानना है, कौन सा खिलाड़ी आपको लगता है कि इस बार गुजरात के लिए सबसे अलग प्रदर्शन करेगा? इन 6 खिलाड़ियों में से आपको क्या लगता है कौन सा खिलाड़ी सबसे बड़ा एक्स फैक्टर साबित होगा? ओडेन स्मिथ और केन विलियमसन को लेकर आप लोगों का क्या मानना है, फटाफट कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।